हर रंग में रंग जाने, हर रंग में घुल जाने का गुण रखने वाले पानी का यह बर्बादी वाला रंग है। ऐसे रंग जो गुजरात के शहर शहर पर जमकर चढ़ा है और बहुत ही गहरा चढ़ा है, इतना गहरा कि डूबते जा रहे हैं गांव, समाते जा रहे हैं कस्बे। मॉनसून के मौसम में डूब गई है लोगों की खुशियों की गठरियां, क्योंकि कुदरत ने खोल दी है बर्बादी की तमाम गिरहें। और मौसम की मार का दर्द लेकर लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में चारों ओर दिख रहा है अथाह जल जो सब कुछ डुबा देने को बेताब है। गुजरात इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से बेहिसाब है। वलसाड में लोग जलधार के बीच फंसे हैं, किसी तरह जिंदगी बचाने की जुगत में लगे हैं। यहाँ लहरों का ऐसा प्रहार है जिसके आगे जिंदगी लाचार है। कमर तक पानी के बीच लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। बहाव इतना तेज है कि पानी भरे रास्तों को पार कर पाना आसान नहीं है। कहीं रस्सी के सहारे लोग सैलाब पार कर रहे हैं, किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन वलसाड में कुछ लोग ऐसे भी फंसे हैं जिनके चारों ओर सिर्फ लहरें ही लहरें हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। गुजरात का जल प्रलय इंसानों की जिंदगी पर भारी है, क्योंकि अगले 3 दिनों में भी वलसाड में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। अभी हमारा प्लान ऐसे है कि 3 दिन यहाँ पे रेड अलर्ट है, तो लोगों को वापस पानी कम होने के बाद घर में जाने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आश्रय स्थानों पे लोग रह रहे हैं वहीं पे उनको रहने और खाने की सुविधा कर दे तो लोग ज्यादा सेफ रहेंगे। तमाम शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार है, नदियां नाले उफान पर हैं, गांव-गांव में पानी चढ़ान पर है। डांग में जब ये परिवार मुसीबत के सैलाब में घिरा तो ईंटों का ये ढेर जान बचाने का सहारा बना। एनडीआरएफ की टीम मदद को आगे आई, परिवार को सुरक्षित निकाल उनकी जान बचाई। गुजरात में कुदरत की मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जोर पकड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल रही हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर पर भी बारिश की भीषण मार पड़ी है। बोदली समेत तमाम इलाकों में एनडीआरएफ की टीम जमी हुई है, निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। उधर सूरत में भी मूसलाधार बारिश से तापी नदी में उफान है, लहरें समंदर की तरह शहर को डुबोती नजर आ रही हैं। तापी में भी लगातार हालत बिगड़ रहे हैं, लगातार बारिश के चलते प्रभावित इलाके बढ़ रहे हैं। गुजरात हमेशा से नंबर वन रहा है और इस बार बारिश धमाके शुरू हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारा तंत्र मुस्तैदी से काम करता रहेगा। आसमान से देखो तो गुजरात के तमाम शहरों में अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबा देने वाली बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने वाली बेरहमी, जीवन की रफ्तार को रोक कर रख देने वाली चेतावनी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, सूरत से संजय सिंह राठौर और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।